नमस्कार, स्वागत है आपका वीक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। योगी पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है और जो अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा उसका पुलिस एनकाउंटर कर देती है। ताजा मामला सामने आया है उन्नाव से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, पुलिस और गौ तस्करी के बीच मुठभेड़ हुई है, भारी मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि अजगैन थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर, गौ तस्करों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, जिस पर गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। फिर क्या था, फायरिंग में दो पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें, वहीं मुठभेड़ में पुलिस की गोली से तीन गौ तस्कर भी घायल हो चुके हैं। भाग रहे दो गौ तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया है, जो कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार हुए गौ तस्करों का नेटवर्क खंगालने में लगी हुई है। उन्नाव में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार में बड़ी सफलता हाथ लगी है। अजगैन थाना क्षेत्र के दरियाबाग में देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में उन्नाव के रहने वाले सलमान, जी हाँ सलमान, लखनऊ के रहने वाले लक्की और मंगल कश्यप घायल हुए हैं, जबकि उन्नाव के रहने वाले कल्लू और मोनू राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस पूरे मामले पर एसपी शशि शेखर का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कल रात में ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग गौ तस्कर एक जंगल में उनका वध करके और उसको मांस बेचने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा मौके पर जब अभियुक्तों को ललकारा गया तो पुलिस मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में तीन अभियुक्तों को गोली लगी है। हमारे कर्मचारी, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को गोली लगी है, सभी खतरे से बाहर हैं। तो सुना आपने, पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। वे लगातार कह रहे हैं कि जो बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने बताया कि दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीन जो घायल हुए हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ की जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही मौके से भाग गए हैं, उनको भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, गैंगस्टर की कार्रवाई भी होगी। यही नहीं, इन अपराधियों ने जो भी संपत्ति अर्जित की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, जिस तरीके से यूपी पुलिस बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है, उस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश में जल्द ही अपराध खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।